इससे पहले के लेसन में हमने ए का साउंड देखा था। ए का कॉमनली साउंड ए होता है और अ भी होता है, हम देख चुके हैं। आज हम जिस लेटर का साउंड देखेंगे वो है ई। क्या है? ई। और हमने इससे पहले के लेसन में वाउल लेटर्स और कॉन्सोनेंट लेटर्स वो दोनों पढ़ चुके हैं, और हमने जाना था कि वाउल लेटर्स के बगैर कोई भी वर्ड इंग्लिश में नहीं बन सकता है। और ई क्या है? ई एक वाउल लेटर है, इसे वावेल नहीं वाउल आप कहेंगे। और इस ई का साउंड होता है ए, ए साउंड होता है, जो कि हिंदी में ए की मात्रा होती है, लेकिन ए की मात्रा को खींच कर पढ़ते हैं, इसे खींच कर नहीं पढ़ा जाता है। एग्जाम्पल के तौर पर एक वर्ड है हिंदी में, देख लें पहले, सेब। सेब, ए को हम क्या करते हैं? खींच कर पढ़ते हैं। वही साउंड इंग्लिश में ई का है, लेकिन उसे खींच कर नहीं पढ़ते, डायरेक्ट पढ़ते हैं। मान लेते हैं एग्जाम्पल के तौर पर, ऐसा कोई वर्ड है नहीं, एस ई बी, ठीक है, इसका साउंड क्या होता है? ए साउंड होता है, तो इसे आप सेब नहीं कहेंगे, आप इसे क्या कहेंगे? सेब। सेब, तो ई का साउंड क्या हुआ? ए साउंड हुआ, ए, लेकिन खींचना नहीं है, बिल्कुल भी नहीं। तो यहां पर जी ई टी, जेट, क्या है? जेट। मीनिंग पर अभी ध्यान ना दे, पढ़ने पर ध्यान दे कि आपको पढ़ने आ जाए, ठीक है, मीनिंग भी देखेंगे हम आने वाले लेसन्स में। फिर उसके बाद एल ई जी, लेग, स्पेलिंग के साथ आप कॉपी में लिखते भी जाएंगे हर एक वर्ड को कम से कम 10 मरतबा, एल ई जी, लेग, लेग यानी पैर। बी ई जी, बेग, बेग। डी ई एन, डेन, ई के साउंड पर ध्यान दें, जेट, बेग, लेग, डेन। वेड, क्या है? वेड, लिप्स को राउंड करके बोलेंगे आप, वेड। उसके बाद ये पी ई जी, पेग, क्या? पेग, पी ई जी, पेग, ये आपका पेग होता है, यानी कि जिसमें कपड़े लटके हुए होते हैं, पेग, पी ई जी, पेग। आगे डब्ल्यू ई टी, वेट, क्या है? वेट। एफ ई डी, फेड, एफ ई डी, फेड। अब यहाँ पर ये वाली चीज़ याद रखेंगे आप कि अगर डबल ई हो, डबल ई हो, तो उसका साउंड ई हो जाता है, जिसे हम हिंदी में बड़ी ई की मात्रा कहते हैं। डबल ई हो तो इसका साउंड, ई का साउंड ई हो जाता है, जिसे आप क्या पढ़ेंगे? बी। इसे बी, बे नहीं पढ़ेंगे, इसे आप पढ़ेंगे बी। एक बार रिपीट कर लेते हैं यहाँ से, जेट, बेग, डेन, लेग, वेड, पेग, वेट, फेड और बी। फिर यहाँ पर पेट, क्या है? पेट, पेन, स्पेलिंग के साथ पी ई एन, पेन, पी ई टी, पेट, एच ई एन, हेन, ई डबल जी, एग, क्या कहेंगे? एग। बी ई डी, बेड, बेड, एग, हेन, पेन, पेट। तो आपको बताया गया क्या कि ई का साउंड क्या होता है? ए होता है, और जब डबल ई आ जाए तो उसका साउंड ई होता है, हिंदी में बड़ी ई की मात्रा। अब प्रैक्टिस करते हैं, तो यहाँ से देख ले, यहाँ तक आपका जो दिया हुआ है, पहला वाले में, दूसरे वाले में, तीसरे वाले में, चौथे वाले में और ये पांचवे वाले में, ठीक है, सब में बस ए साउंड है बगैर खींचे हुए, ठीक है। बेड, स्पेलिंग के साथ आप बोलने ज़्यादा बेहतर है, बी ई डी, बेड, एफ ई डी, फेड, एल ई डी, लेड, आर ई डी, रेड, एस एच ई डी, शेड, जब एस एच आ जाए तो उसका साउंड ये होगा, ठीक है, शेड। डब्ल्यू ई डी, वेड, बेड, फेड, लेड, रेड, शेड, वेड, आखिरी में क्या है यहाँ पर? ई डी, फिर आगे यहाँ पर आखिरी में ई जी। बेग, एग, केग, लेग, पेग और ये वेग, क्या कहेंगे आप इसे? वेग। फिर आगे ई एन, यानी एन साउंड होगा एंड में। डेन, हेन, मेन, पेन, टेन, येन, क्या है? येन। आगे एट साउंड होगा यहाँ पर, बेट, गेट, जेट,
लेट, मेट, नेट। अब एल साउंड होगा बेल, सेल, फेल, हेल, सेल, वेल। करने पर ध्यान दे, वेल। अब यहाँ पर बड़ी ई की मात्रा समझ ले, ई साउंड होगा तो बी, फी, जी। इसे क्या पढ़ेंगे? जी पढ़ेंगे। ली, नी, सी। तो ये क्या था? ई का साउंड था। अब यहाँ पर कुछ सेंटेंसेस पढ़ लें। बेन, इसे पढ़ते हैं हैज। क्या पढ़ते हैं? हैज, एच ए एस, हैज, ये साउंड आएगा। बेन हैज अ, मैंने कहा था ये जब ए बीच में आएगा सेंटेंस में या सेंटेंस में आएगा तो इसे ए नहीं आ पढ़ते हैं। बेन हैज अ पेट हेन। तो यहाँ पर जो ई वाला है उस पर ध्यान दें, बेन पेट हेन। आगे हिज, क्या पढ़ेंगे इसे? जो नया वर्ड आएगा उसे आप ध्यान दे लेंगे, ठीक है? जैसे यहाँ पर हैज आ गया तो आप इसे याद कर लेंगे कि एच ए एस हैज पढ़ना है, उसी तरीके से यहाँ पर एच आई एस, इसे हिज पढ़ना है। क्या पढ़ना है? हिज, आई का साउंड ई होता है। हिज, हिज, हेन, सैट, ये वर्ड बता चुका हूँ मैं ए के साउंड में। सैट ऑन, ओ एन ऑन, अ बेड। हिज हेन सैट ऑन अ बेड। द, बता चुका हूँ मैं इसे पीछे वाले लेसन में। द बेड इज, क्या पढ़ते हैं इसे? इज, आई एस, इज, रेड। द हेन लेड, एल ए आई डी, लेड। एन एग, द हेन लेड एन एग। बेन फेड द हेन। अब इसे आप पढ़ लें, बेन हैज अ पेट हेन, हिज हेन सैट ऑन अ बेड, द बेड इज रेड, द हेन लेड एन एग, बेन फेड द हेन। अगर मीनिंग की बात कर लें तो बेन के पास, बेन हैज, बेन के पास एक मुर्गी है और पेट यानी कि पालतू मुर्गी है। हिज हेन, उसकी मुर्गी, सैट ऑन अ बेड, बैठी हुई थी किस पर? ऑन अ बेड, एक बेड पर। द बेड इज रेड, बेड क्या है? रेड है। द हेन लेड एन एग, हेन ने क्या किया, मुर्गी ने क्या किया? लेड, दिया एन एग, एक अंडा। बेन फेड, बेन ने खिलाया द हेन, हेन को यानी मुर्गी को। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं जितने भी यहाँ पर ब्लैंक्स दिख रहे हैं आपको वहाँ पर ई भरने हैं और फिर पढ़िए। ये सारा पीछे ही का वर्ड है, कुछ कुछ नया भी हो सकता है। जे ई टी, जेट। फिर आगे डब्ल्यू ई बी, वेब। आप खुद से करेंगे इसे, मैं पढ़ देता हूँ, ई लिख लेंगे आप सारे जगह पर। जेट, वेब, बेड, लेग, टेन, नेट, बेल, पेन। उसके बाद है कि यहाँ पर आपको पिक्चर को देखने हैं और बताने हैं किस कौन सा वर्ड सही है। तो ये क्या है? तो ये एक बेन है, एक गार है, गुफा है, और ये एग है, उसके बाद ये बी है, और ये आपका बेल है। ये वेल नहीं है, ये बेल है। अब यहाँ पर कुछ सेंटेंसेस आपको बनाने हैं। द हेन लिव्स, हेन रहती है नियर आ, पास में, किसके पास में? आ डेन, ये डेन के पास में रहती है, डेन यानी कि ये गुफा। द जेट इज कॉट इन द वेट, ये क्या है आपका? वेट। क्या जेट जो है वो पकड़ा गया किस में, या फंस गया कह लें, एक वेट में, एक जाल में। दे आर टेन, क्या है? मेन है, एम ई एन, मेन। मैन यानी कि एक आदमी, और मेन यानी कि जब एक से ज्यादा हो तब मेन। द बेल फेल, द बेल फेल नियर द, क्या है ये आपका? वेल, कुआं। द मैन हैज अ, क्या है इसके पास? अ पेन।